चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। द काइनेटिक एनर्जी के ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस कवर्ड। इट इज गिवन एज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर वेयर ए इज अ कांस्टेंट। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज कितना होगा, फोर्स कितना लगेगा। इसमें देखो सबसे पहली बात, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है एक ऑब्जेक्ट। मैं एक फिगर बना देता हूँ, ये एक फिगर बना देता हूँ, ठीक है। सर्कुलर पाथ पे अगर ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो टेंजेंशियल फोर्स तो इधर लगेगा, सेंट्रिपल फोर्स इधर लगेगा, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही नेट फोर्स होगा, एफ नेट, ठीक है। तो एफ नेट का मतलब क्या हो गया, एफ नेट का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ सी स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर, टेंजेंशियल फोर्स का स्क्वायर, करेक्ट है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, सेंट्रिपल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, ये भी लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है ए इंटू एस स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के को, के से डिनोट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को, के इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर। यानी काइनेटिक एनर्जी होती कितनी है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू ए एस स्क्वायर, ये भी लिखा जा सकता है। तो अब देखो सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू, सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, आर क्या है रेडियस, इसको कैपिटल आर बोल रहा है, तो मैं इसको कैपिटल आर कर देता हूँ, एम वी स्क्वायर बाई कैपिटल आर, ठीक है। अब सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू अगर मैं कहूँ एम वी स्क्वायर की जगह पुट कर दूँ टू ए एस स्क्वायर बाई आर, तो ये पॉइंट याद रखना, इसको भूलना नहीं है, टू ए एस स्क्वायर बाई आर, ये ए इसमें कॉन्स्टेंट है, ए टर्म कॉन्स्टेंट है, एस जो है आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो कवर कर रहा है, ठीक है। चलो अब देखो इसमें सेंट्रिपिटल फोर्स हमने निकाल लिया, अब टेंजेंशियल फोर्स निकालना है। टेंजेंशियल फोर्स निकालने के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होता है, डी वी बाई डी टी होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो डी वी बाई डी टी इंटू डी एस बाई डी एस कर सकते हो, डी एस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो, तो डी वी बाई डी एस इंटू कितना हो जाएगा, डी एस बाई डी टी भी लिख सकते हैं, और डी एस बाई डी टी डी डी वी बाई डी एस लिख दिया पहले, इंटू डी एस बाई डी टी वी के बराबर होता है। अच्छा इस इक्वेशन में जो हम लोगों ने निकाला है ये वाला इक्वेशन, यहाँ से हम वी की वैल्यू निकाल सकते हैं, देखो अभी निकाल के दिखाते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर, करेक्ट है, ए एस स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस स्क्वायर बाई एम, ये लिख सकते हैं। तो वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू अंडर रूट में टू ए एस स्क्वायर बाई एम लिख सकते हैं, टू ए एस स्क्वायर बाई एम लिख सकते हैं, करेक्ट है। अब यहाँ पर अगर मैं वी की वैल्यू पुट करूँ, या मैं एस को बाहर निकाल दूँ, पहले अंडर रूट के अंदर है ना, ठीक है, इसको बाहर निकाल दें, इसको अगर बाहर निकालें तो s अंडर रूट में 2a बाई m होगा v की वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, dt is at is equal to dds of s अंडर रूट में 2a बाई m into अंडर रूट में s into 2a बाई m। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने v की जगह ये रख दिया, अब s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो s is equal to एस क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो एटी की वैल्यू आएगी कितनी, एटी की वैल्यू आएगी कितनी, सो एटी की वैल्यू आएगी, ध्यान से देखो, अंडर रूट में टू ए बाई एम होगा इंटू एस ब्रैकेट में अंडर रूट में टू ए बाई एम, सो अंडर रूट में टू ए बाई एम, टू ए बाई एम दोनों रूट में है, खत्म हो जाएंगे, एस इंटू टू ए बाई एम अंडर रूट खत्म हो जाएगा, टू ये आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई कितनी, 2a s by m, और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, या सेंट्रिपिटल फोर्स, चलो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है, तो m से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, m into at is equal to 2a s, ये होगा टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू। सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं यहां पर, तो दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं कहां पर, ये जो फॉर्मूला है इसमें पुट कर देते हैं, या कर लेते हैं, सो नेट फोर्स अंडर रूट में सेंट्रिपिटल फोर्स का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल फोर्स का स्क्वायर, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेंट्रिपिटल फोर्स का स्क्वायर, सेंट्रिपिटल फोर्स का स्क्वायर,
यानी ब्रैकेट में 2as² / r² प्लस, स्पेस नहीं है यहाँ पर, चलो टेंजेंशियल फोर्स का 2as का होल स्क्वायर, ठीक है 2as का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो इसको लिख सकते हैं हम 4a² s² + 4as² अंडर रूट में, तो टेंजेंशियल। अब इसमें कॉमन क्या होगा, कॉमन इसमें क्या लिया जाए, देखो कॉमन आ जाएगा 2a और s² बाहर ले लेंगे, 2as बाहर आ जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नेट फोर्स, ठीक है। बचेगा क्या ब्रैकेट के अंडर रूट के अंदर, 2s² बचा अपॉन r² बचा प्लस, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा। तो कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, 2a अंडर रूट में ये वाला, b वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।